मिक्स वाली काउंटर है ये, 150 किसी भी तरह के मिक्स नोट ये गिन लेती है, और ऑटो ऑफ मशीन है, 20 सेकंड की ग्रेस में अपने आप ऑफ भी हो जाएगी। ये देखिए आप 2150 इसने फिगर दिया है, 600 5 10 15 20, ये 2150 पूरा एक्यूरेट काउंटिंग करा इसने। इधर नोट भी डिस्प्ले कर दिए कि 500 के इसके पास 4 नोट हैं, 100 का इसके पास 1 नोट है, और 50 का इसके पास 1 नोट है। अपन इसको फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं इसको कहीं बीच में रखूं तो भी ये काउंटिंग बराबर देगी। ये देखिए आप 2150, मान लीजिए इस मशीन में आपको ऐसा करना है कि ये सिर्फ मिक्स वैल्यू ना देके वैल्यू दे सिर्फ कि कितने नोट हैं, तो इसको बैंक मोड पे कीजिए, ये बैंक में यूज़ होने वाला मोड है, ये मशीन यूनियन बैंक में सप्लाई भी होती है। इसने सिर्फ गिनती बता दी कि कितने नोट हैं, वैल्यू से इसको कोई मतलब नहीं। अब 1 2 3 4 5 5 6, मान लीजिए आपको ऐसा करना है कि इस गड्डी के अंदर ये 500 के नोट अलग निकालना है, तो मैं इसको सबसे आगे वो नोट रखूँगा जो नोट मुझे अलग निकालना है। जैसे मैंने अभी 500 का नोट सबसे आगे रख दिया है, और मैं इसको शॉर्ट बी पे कर रहा हूँ, ये इसने बता दिया कि 50 का नोट है, इसको हटाइए, इसको हटा दिया, इसको उठा के वापस रखा, ये 100 का नोट गलत है, ये हटा दिया। अब इसने प्योर मुझे जो 500 का नोट मैंने सबसे आगे रखा था वो वैल्यू दे दी है, साथ ही साथ ये उस वैल्यू का यहाँ टोटल भी दे देगा। ये 500 के 4 नोट मेरे हाथ में, ये इसने उसका टोटल दे दिया, जो इसको नहीं गिनना था उसने साइड में रख दिया। एक बार फिर इस फंक्शन को समझिए, आपको एक गड्डी के अंदर ये निकालना है कि इस गड्डी के अंदर मान लीजिए जो भी एक जैसे नोट हैं, आपको 500 के अलग चाहिए, 100 के अलग चाहिए, या एक 500 की गड्डी के अंदर 100 के कोई 2-4 नोट आ गए, तो आप सबसे आगे वो नोट रखिए जो आपको चाहिए। 500 चाहिए, 500 सबसे आगे, ये 100 हटा लो, गड्डी उठा के वापस रखो, 50 हटा लिया, गड्डी उठा के वापस रखो, टोटल वैल्यू और नोट दोनों चीज़ें बताएगी, ठीक है। इसके बाद बैच है, आप बैच के हिसाब से 100 की जो बैच होती है उसको आप 20 30 50 कुछ भी सेट कर सकते हो, मतलब आप अगर बैच को 20 पे सेट कर दोगे तो इसमें नोट कितने भी डलेंगे 20 के बाद अपने आप रुक जाएगी, वो 20 आप उठाएंगे अगले 20 की काउंटिंग चालू हो जाएगी, फिर 20 आप उठाएंगे अगले 20 की काउंटिंग चालू हो जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर एक मिक्स वैल्यू न्यू नोट करके ऑप्शन है, ये उस कंडीशन में काम आएगा जब सिल्वर तार और ग्रीन तार के नोट आपको अलग करने हो, बट ये फंक्शन सिर्फ 500 और 1000 के नोट पर एप्लीकेबल है। अगर 500 का मेरे पास कोई सिल्वर तार का नोट होता तो ये उसको अलग कर सकती थी। दैट्स ऑल, इसमें ऐसे भी बहुत और कोई टिपिकल कोई फीचर्स नहीं है। हाँ, इसमें एक यहाँ पर